हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली को लेकर। सबसे बड़ी जो मांग है वो पूरी हो गई है। जी हां दोस्तों, टीजीटी बिजली छात्रों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है, जहाँ पर अगर बात की जाए छात्रों की बड़ी जीत भी हुई है, साथ ही साथ जो उनकी मांग थी वो भी यहाँ पर पूरी हुई है। और इसको सुनने के बाद निश्चित तौर पर आपको मज़ा आ जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, टीजीटी बिजली के बारे में। दोस्तों, टीजीटी बिजली भर्ती जितनी निकलने में मुश्किल होती है उतनी ही मुश्किल से पूरी हो पाती है, और पूरी हो जाने के बाद भी इसके अंदर जो समस्याएं वो खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि इसका नाम ही कुछ ऐसा है। नाम आपने सुना होगा टीजीटी बिजली, लेकिन इसका असली नाम है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर होने वाली भर्ती। अशासकीय का मतलब तो आप सीधे तरीके समझ सकते हैं कि पूरे तरीके से इस भर्ती के अंदर जो आपको नौकरियां दी जाती हैं, इस भर्ती के अंदर जो आपका चयन किया जाता है, चयन के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो भर्ती है आप इसके अंदर सीधे तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर में नहीं आते हैं, क्योंकि दूसरे विद्यालय होते हैं राजकीय विद्यालय। राजकीय विद्यालयों का मतलब साफ होता है कि वो सीधे तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, लेकिन ये जो आप सभी के स्कूल होते हैं ये अशासकीय विद्यालय होते हैं, यानी कि जो शासन है उससे सहायता प्राप्त ली जाती है, लेकिन पूरे तरीके से उनका कंट्रोल इसके अंदर नहीं चल पाता है। हालांकि धीरे धीरे करके सरकार ने कुछ बदलाव करके टीजीटी बिजली विद्यालयों पर अपना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंट्रोल जमाने की कोशिश की है। पहले आपने देखा होगा कि जो भर्तियां देखने के लिए मिलती थी वो प्रबंधक के माध्यम से कर दी जाती थी। जब ये भर्ती प्रबंधक के माध्यम से होती थी तो इसमें घोटाला होता था, भाई भतीजा बाद के आधार पर किसी को भी नौकरी दे दी जाती थी, और भी तमाम तरह तरह के नियम सरकार समय समय पर बनाती रहती है, जिससे कि टीजीटी पीजीटी के अंदर कोई भर्ती हो या भर्ती होने के बाद नौकरी करने वाले अभ्यर्थी उनके लिए कहीं ना कहीं जो सुरक्षाएं बना करके रखी जाएं। अब तक टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली को फॉलो किया जाता था, जिसके आधार पर अगर आपको टीजीटी पीजीटी में नौकरी मिल जाए तो आपको ऐसे नहीं निकाला जा सकता, आपके खिलाफ कोई भी जांच नहीं की जा सकती, आपका जो भी डिसीजन होगा वो कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के माध्यम से लिया जाएगा और पूरा कहीं ना कहीं आपको समय दिया जाएगा। लेकिन चयन बोर्ड के भंग हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के जो शिक्षक हैं उनकी सेवा सुरक्षा को लेकर यहाँ मांग की जा रही थी। असल में मामला ये हो गया था कि चयन बोर्ड का जो नियम था वो खत्म हो गया था, उसके खत्म हो जाने की वजह से हजारों की संख्या में टीचर्स की नौकरी पर संकट के बादल आ गए थे, क्योंकि प्रबंधक अगर चाहते तो किसी को भी कभी भी निकाल सकते थे, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उनको अपनी आवाज उठाने का। और ये नियम खत्म हो जाने की वजह से अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि भाई टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती निकालो, बाद में पहले इस नियम में बदलाव करो, क्योंकि अगर किसी को नौकरी मिल भी गई और प्रबंधक के माध्यम से उसको निकाल दिया गया तो वो क्या करेंगे। अब इसी को लेकर यहाँ एक बड़ी अपडेट आपके सामने निकल कर आ गई है कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 62,000 प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के साथ साथ लाखों वो अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जैसे ही आप यहां पर नौकरी में जाएंगे तो आपकी जो सेवा सुरक्षा है वो बन जाएगी। लेकिन चयन बोर्ड के नियम खत्म हो जाने के बाद वो ऐसे नहीं थी। अब इसी बदलाव को लेकर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा है इन स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के चयन के पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होता था, लेकिन नियुक्ता प्रबंधक होते थे। चयन बोर्ड के अधिनियम 1982 की धारा 21 के तहत ये प्रावधान था कि प्रधानाचार्य या शिक्षक कोई भी कार्रवाई करने से पहले चयन बोर्ड से कहीं ना कहीं अनुमोदन लेते थे। अब जब चयन बोर्ड खत्म हो गया तो अनुमोदन लेने वाला प्रावधान भी खत्म हो गया, चूंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। इसी वजह से अब यहाँ पर 21 अगस्त 2023 को विधानसभा में पारित शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, चूंकि नया आयोग बनने के साथ ही चयन बोर्ड का विलय हो गया था और उसमें सेवा सुरक्षा का प्रावधान नहीं होने से प्रबंधकों की मनमानी बढ़ गई है। प्रदेश भर के शिक्षक मनमाने तरीके से निलंबित बर्खास्त किया जा रहा है, इसके खिलाफ
शिक्षक जो संगठन है वो आंदोलन कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की ओर से 21 नवंबर MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी के भेजे गए पत्र में लिखा है कि इस संबंध में विनियम संशोधन की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया गया है और शिक्षा निदेशक से इस संबंध में एक संकेतिक प्रस्ताव मांगा गया है ताकि संशोधन करते हुए पूरी की पूरी जो कार्यवाही वो की जा सके और ये एक बड़ी उनकी जीत होगी टीजीटी पीजीटी के लिए जो यहाँ पर नौकरी करने वाले अभ्यर्थी थे या नौकरी लेने के लिए सपना देख रहे थे। लिखा हुआ है कि लंबे संघर्ष के बाद चयन बोर्ड की नियमावली बनी थी जिसमें बिना पूर्वानुमोदन के प्रबंधक की कार्यवाही शून्य मानी जाती थी। अब मनमाने तरीके से जो शिक्षकों पर कार्यवाही है वो नहीं होगी। यदि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा बहाल नहीं की गई तो संघर्ष के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तो ये एक बड़ा कहने की डिसीजन था क्योंकि मनमाने तरीके से प्रबंधक किसी को भी निकाल सकते थे, किसी को भी हटा सकते हैं अगर ये नियम लागू नहीं किया जाता है। तो अब ऐसे में फिलहाल इसके लिए प्रस्ताव तो मांग लिया गया है, देखना दिलचस्प होगा कब तक लागू होता है क्योंकि नौकरी मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है, नौकरी बनी रहना इंपॉर्टेंट है यूपी के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।